बड़ी अनकंफर्टेबल सी चेयर है यार, चल ठीक है एनीवेज आई मैनेज विद इट। आप देख लो। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, ओके एक मिनट दिखाएंगे सर वो लुक के सारा। ठीक है यहाँ पे डिपेंड कर, फिर अपने आप को पॉलिश किया, लाइक थिएटर किया, एक्टिंग स्किल्स अपने, एक पंजाबी में मैंने थोड़ा बहुत जितने भी मेरे म्यूजिक वीडियोज है अच्छे वहाँ के, इसलिए इससे पहले मैं काफ़ी प्रिंट एड्स कर चुकी हूँ, टीवी कमर्शियल्स कर चुकी हूँ, मैंने थिएटर किया है, एक्टिंग कोर्स मैं कर रही थी, तो काफ़ी लोगों को मैं ऑडिशन दे रही थी, मीटिंग्स कर रही थी, तो उसी दौरान मुझे पता चला कि रिवॉल्वर रानी में जो कि कंगना रनावत कर रही है उसके लिए लोगों को और भी लोग लाइक न्यू कमर्स ढूंढ रहे हैं, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया उसके बारे में, देन मैंने इनको प्रोडक्शन वालों को अप्रोच किया, दे आस्क्ड मी टू कम फॉर द ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन के बाद में मुझे कहा गया कि आप काफ़ी फेयर हो इस रोल के लिए, काफ़ी आप गोरे लगते हो, तो मैंने कहा वो तो मैं हूँ बींग फ्रॉम शिमला, देन दे वर लाइक अगर हम आपके ऊपर अगर आपका थोड़ा हम डस्की मेकअप करें आर यू ओके विद दैट, आई सेड आई डोंट हैव एनी इश्यूज, तो नेक्स्ट टाइम मुझे दोबारा सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया, फिर मेरा लाइक ब्लैक मेकअप हुआ, आई वॉज इन सलवार कमीज़ प्रॉपर लुक के साथ में, एंड आफ्टर 2-3 डेज आई गॉट कॉल दैट आई हैव बीन फाइनलाइज, सो दैट्स इसलिए मैंने जब मुझे बताया गया कि एक MP की लड़की का किरदार है जो कि चंबल की रहने वाली है, तो मेरा तो वहाँ उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो मैंने अपने दोस्तों से बात करनी शुरू की, मैंने वहाँ के बारे में रिसर्च किया कि वहाँ की बोली किस तरीके की है, वहाँ का लहजा कैसा है, वहाँ की लड़कियाँ किस तरीके से रहती हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, खुद से मैंने रिसर्च किया जिसने कि मुझे काफ़ी हेल्प की मेरे रोल को लेके, वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी और थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी, आई रिमेंबर जो मैंने आप कंगना के साथ में काम करें। जी जी डेफिनेटली, बिकॉज सी कंगना इज़ अ वेरी सीनियर एक्टर और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है वो, तो ये था कि कंगना के साथ में शेयर कर रहे हैं, पता नहीं मतलब जब जाऊँगी सेट पर कैसा होगा, मैं न्यू कमर हूँ, डायलॉग्स मैं भूल जाऊँ, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, तो वो एक नर्वसनेस आई थिंक हर एक एक्टर में होती है जब वो शुरुआत, आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आई रिमेंबर जो मेरा फर्स्ट शॉट था, लकीली वो शॉट कंगना के साथ ही था, एंड मेरा भी एंट्री शॉट था, मैं पूजा की थाली लेकर खड़ी हुई हूँ और कंगना तक उस वक्त तक हम दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, दैट वॉज द फर्स्ट डे वी मेट ऑन द सेट, एंड कंगना वहाँ से आती है और मैं खड़ी हुई, मैं लाइक पूजा की थाली खड़ी मतलब लेकर खड़ी हूँ, एंड मैं अपने वो अपने वर्ड्स बोल रही थी, तो कंगना मेरे सामने जैसे ही आई मैंने कॉन्फिडेंटली लाइन से बोल दी, बट मैंने क्यों मिस कर दिया उसमें, तो कंगना मेरे पास में फिर मुझे बोलती आप ना आप भूल गए, आपको ना थोड़ा एक सीढ़ी और नीचे आना है, तो मैंने कहा यस, एंड तो फिर शी ट्रीटेड मी, शी वॉज सो हम्बल कि सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं कि मैं न्यू कमर हूँ, बिकॉज मैं और कंगना लाइक हम दोनों ही शिमला से बिलोंग करते हैं, वो भी हिमाचल के, मैं भी हिमाचल ही हूँ, तो वो चीज़ हमारे लिए प्लस पॉइंट होगी, तो शी बीन वेरी सपोर्टिव एक्चुअली, पहले ये थोड़ा ऐसी हालत हो गई है।